नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हर व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, बाकी में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बारे में विज्ञान भी काफ़ी शोध कर रहे हैं, विदेशों में भी इसके बारे में बहुत कुछ शोध किया गया है और पाया गया है कि भूत होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भूत कितने प्रकार के होते हैं और उनके हम आपको विवेचना करके भी बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आज हम जो आपको देने के लिए जा रहे हैं बहुत ही रोचक है। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुनेंगे। और यदि आप शुरू से लेकर अंत तक आप यदि इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको भूत प्रेत के बारे में जो हम जानकारी देंगे वो एक अद्भुत जानकारी आज हम देने के लिए जा रहे हैं, तो वो जानकारी आपको बेहद अच्छी लगेगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भूत प्रेतों के बारे में और उनके कितने प्रकार होते हैं और उनसे बचने का आखिरी में हम एक उपाय भी बताएंगे कि हमें ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भूत प्रेत में किस प्रकार के लोग प्रायः भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। साधारण जो श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं या निकृष्ट योनि का कोटि का जो जीवन बिताने वाले व्यक्ति होते हैं या फिर जिनके अंदर लालसा, पीड़ा एवं मोहग्रस्त अवस्था में जो व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, तो अक्सर वो प्रेत योनियों में जाते हैं। इन योनि में आत्मा की कोई विशेष उन्नति तो नहीं होती है। अतृप्ति, द्वेष, कुढ़न आदि से प्रेरित होकर यह दूसरों को कष्ट देने, डराने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत मोहग्रस्त होने के कारण प्रेत हुए हैं और अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। मृत्यु के समय यदि किसी प्रकार के हमारे अंदर कोई लालसा रह जाती है, कोई लिप्सा रह जाती है, तो वो अपने प्रियजनों के साथ में रहना पसंद करती है और उसी वासना के फलस्वरूप वो उनके हाथ पर साथ में रहते हुए अपनी तृप्त चीज़ों को वो प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन स्थूल शरीर में मनुष्य जो प्राप्त कर सकता है वो उस शरीर में प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उनकी वासना जागृत रहती हैं और पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय भोगों को भी वो भोगना चाहती हैं। इसे हम इस प्रकार से समझें कि यदि कोई व्यक्ति जैसे मरणशैया पर लेटा हुआ है, वृद्ध है, तो उसके अंदर नाना प्रकार के स्वाद की चीज़ें खाने की इच्छा होती है, लेकिन जब उसे दी जाती हैं तो फिर वो नहीं खा पाता है। इसी प्रकार से भूत प्रेतों का भी हाल होता है कि वो कुछ चीज़ें क्षमा करेंगे, वो चीज़ कुछ चीज़ें खाना चाहते हैं लेकिन वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि वृक्ष के शरीर की जो आत्मा है वो जानवर के अंदर नहीं होती है और जानवर के अंदर की जो आत्मा है वो वृक्ष के शरीर के आत्मा को अनुभव नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से इन लोगों का होता है और जब इनकी तृप्ति नहीं हो पाती है तो इनके अंदर झुंझलाहट होती है और ये लोगों को परेशान करना चालू कर देते हैं। इसका एक अपवाद होता है कि जो वृद्धावस्था में जिनकी मृत्यु होती है और जो सारी चीज़ें देख चुके होते हैं, लेकिन मृत्यु के समय जो एकदम बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बच्चों के प्रति उनकी ममता, स्नेह, सहायता व क्षमा का भाव रहता है, इंद्रियां भी इसका इनकी अधिकांश में तृप्त होती हैं, ऐसे प्रेत जिस घर में रहते उस घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, आपत्तियों में सचेत करते हैं और कष्टों में निवारण में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक हो। तो इस प्रकार की जो आत्माएं होती हैं वो हमें इशारा करती रहती हैं, कभी
दान करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, कभी ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए हमें प्रेरित करती हैं और उससे इनके लिए एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार के जो लोग जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वो भूत प्रेत की योनियों में चले जाते हैं। अब आज हम आपको बताते हैं कि भूत कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के भूत प्रेत ऐसे बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। उनका विभाजन इस प्रकार से है, पहले होते हैं काल्पनिक भूत जिन्हें मनुष्य भय, आशंका, विश्वास एवं संकल्प द्वारा उत्पन्न करता है। दूसरा रोग का भूत होता है। तीसरा मृत जीवित व्यक्तियों के शरीर विद्युत परमाणु जो पुनः जागृत होकर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं। चौथा इंद्रिय भोगों में अतृप्त लालसा, वासना, प्रतिहिंसा से जलते हुए पिशाच। पांचवा होता है अपने वैभव स्थान, कुटुंब या मित्रों में अतिशय आसक्ति। छठवां होता है तांत्रिक साधना द्वारा सिद्ध की हुई संकल्प प्रतिमा, छायाएं, पुरुष, यदक्षिणी आदि। जो तांत्रिक लोग होते हैं, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को वो सिद्ध करते हैं और उससे वो कई प्रकार के कार्य लेते हैं। सातवां होता है जीवन मुक्त आत्माएं जो सत्कामों में प्रेरणा और सहायता किया करती हैं। इन 7 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रेत आ जाते हैं। इनमें आरंभिक 4 तो मनुष्यों को हानि पहुँचाते हैं, 5वें के द्वारा हानि और लाभ हो सकते हैं, 6ठे 7वें केवल लाभ ही पहुँचाते हैं। अब इनके हम आपको अस्तित्व के बारे में बताएंगे एक एक करके कि ये भूत होते किस प्रकार के हैं। पहला भूत हमने बताया आपको काल्पनिक भूत। ये भूत किस प्रकार के होते हैं? ये आशंका और भय जब दृढ़ीभूत होकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती। कभी कभी हमें इस प्रकार से हम कहीं अंधेरे में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं या किसी जंगल में जा रहे हैं तो एक भय का भूत जिसे बोलते हैं तो ऐसा हमें भय महसूस होता है और हैप्नोटिज्म द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसा वो हैप्नोटिस्ट टाइप के हो जाते हैं कि उन्हें लकड़ी भी जो है सांप जैसी दिखाई देने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई छाया है या कहीं कोई आवाज़ आ रही है तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और इस भय के कारण वो भ्रमित हो जाते हैं और आशंका की छाया को इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं। आंखें देखती हैं कि भूत सामने खड़ा है, कान सुनते हैं वह अमुक बात कर रहा है या शब्द कर रहा है, त्वचा अनुभव करती है कि पकड़ रहा है, छू रहा है, भीतर घुस रहा है, यह अनुभव उसे सत्य प्रतीत होते हैं। जब वे विपत्र अवस्था में है तो जो कुछ भी अनुभव होगा वह सत्य प्रतीत होता है। काल्पनिक भूतों की पीड़ा से जो पीड़ित हैं उन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगता कि यह भय के कारण हमें हो रहा है। वे तो अपने अनुभवों को बिल्कुल सत्य के रूप में ही मानते हैं। जब भी इनका भय और आशंका जागृत होने का अवसर पाते हैं तब यह भूत सामने आकर के खड़ा हो जाता है और इस तरह के उत्पात मचाता है। तो कभी कभी भय का भूत होता है जो हमें भय के कारण दिखाई पड़ता है। दूसरा होता है मस्तिष्क संबंधी, जो हमने आपको बताया। तो मस्तिष्क संबंधी भूत प्रकार किस प्रकार के होते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर पागलपन का उन्माद, शरीखे रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो रोगी किस्म के होते हैं जिसके कारण मनुष्य की चेष्टा, आकृति, आदत, वाणी तथा रुचि विचित्र हो जाती है। वह ढोंगी बातें करता है और विचित्र प्रकार के आचरण करता है। कोई अतृप्त इच्छा गुप्त मन में जो दबी पड़ी होती है तो वह समय पाकर मुर्गी, मूर्छा आदि के रूप में उभरती है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हो जिसे वह पसंद नहीं करता परंतु उस दशा में से निकलने का उसे अवसर नहीं हो तो ऐसी झुंझलाहट भरी स्थिति कारण मस्तिष्क ज्ञान तंतु उसके उलझ जाते हैं और वो इस प्रकार से अपने आप को समझता है कि शायद हमें भूत लगे हैं और उद्विग्न होकर के लाचारी का क्षोभ उसके मानसिक तंतुओं पर आघात असर डालता है जिसके कारण भूतवादा जैसे लक्षण उससे दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। इससे प्रेरित होकर मनुष्य झूठ मूठ भूतावेश का बहाना करते हैं अथवा ऐसे किस्से गढ़ लेते हैं। यह भी एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार को परेशान करने, नुकसान पहुंचाने और पैसा खर्च कराने के लिए भूतभाता की सृष्टि करते देखे गए हैं। चालाक नौकर, बदमाश, पड़ोसी, ठग, ओझा आदि की करतूतें भी भूत उन्माद के समान ही आडंबर खड़ा कर देती हैं। यह सामाजिक रोग है। तीसरा होता है
मृत जीवित व्यक्तियों के शरीर विद्युत परमाणु जो पुनः जागृत हो जाते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि इस प्रकार के हम समझें कि जो हम पिछली फसल जो रहती है, जो हम अनाज पैदा हुआ था, उसके जो कुछ पौधे अगली फसल में आ उगते हैं, उसका कारण होता है कि पिछली फसल में जो दाने खेत में गिरे थे वे नष्ट नहीं हुए थे, वरन समय पाकर उगाए हैं। इस प्रकार किसी मकान में कोई साधारण असाधारण नीचे या ऊंचे स्वभाव का मनुष्य रहा हो अथवा कोई असाधारण घटना घटी हो तो संबंधियों के सूक्ष्म शरीर के कुछ परमाणु उसमें विशेष रूप से चिपक जाते हैं। यह परमाणु अनुकूल परिस्थितियां पाकर पुष्ट होते हैं और एक अदृश्य व्यक्ति जैसी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं। इसका एक हमने उदाहरण पढ़ा था कि एक मकान में एक वैश्य रहती थी, कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उस मकान में एक सदाचारी पुरुष वहाँ पर आकर के रहने लगे, सन्यासी थे, लेकिन जब वो वहाँ पर आकर के रहने लगे तो वो क्या देखते हैं कि रात को उनको स्वप्न दोष आने लगा और वो वहाँ पर उन्हें एक प्रकार की भय सा महसूस होने लगा और उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस घर में कोई स्त्री रहती है। एक दिन जब वो बाज़ार जा रहे थे तो बिल्कुल हूबहू जो स्त्री उनको रात को स्वप्न में आती थी वो एक कोठे पर उन्हें बैठी हुई दिखाई दी। वो बहुत असमंजस में पड़ गए। जब उन्होंने कुछ लोगों से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जो इस चीज़ों में शोध कर रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि कुछ विद्युत कण उस मकान में उसके रह गए थे और परिस्थितियों के कारण उन्हें वह अपनी अलग सत्ता कायम कर ली थी। वे इस प्रकार से जीवित व्यक्ति का प्रेत बन गए हैं, वे ही इस तरह का कार्य करते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस मकान को खाली किया और जब दो दूसरे मकान में गए तो वहाँ पर फिर उन्हें ना ही कभी किसी प्रकार का स्वप्न दोष आया और ना ही कभी वह महिला उन्हें दिखाई दी। तो कभी कभी इस प्रकार के भी लोग होते हैं और स्वप्न में आते हैं। ऐतिहासिक स्थानों में कभी आप जाते हैं, तीर्थ स्थानों में कभी कभी वहाँ के प्राचीन पुरुषों की झलक दिखाई दे जाती है। वृंदावन की सेवा कुंज में कभी कभी श्री कृष्ण जी की एक अस्फुट सी झांकी लोगों को कई बार दिखाई दी है। किन्हीं ने रामलीला होती देखी है। ऐसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊंची आत्माओं का तेज बहुत बड़ा चढ़ा होता है। उस तेज के विद्युत कण हजारों वर्षों तक वहाँ बने रहते हैं और समय समय पर उनका मूर्त रूप जो है देखने में आता रहता है। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ आदि के ऐतिहासिक स्थानों में किन्हीं को महाभारतकालीन पुरुषों की झांकियाँ दिखाई देती हैं। तीर्थों के वातावरण में एक विशेषता यह होती है कि वहाँ जो प्रख्यात यशस्वी महापुरुष हुए हैं उनका प्रभाव किसी न किसी रूप से विद्वान रहता है और वह अनुकूल मनोभूमि वाले लोगों के विशेष रूप से प्रभावित करता है, किसी न किसी रूप में वह दिखाई दे जाते हैं। चौथा होता है इंद्रिय भोगों से अतृप्त वासना। जो इंद्रिय भोगों से अतृप्त रह जाते हैं वह अपने प्रियजनों पर विशेष रूप से आतंक जमाते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही उनसे परिचय होता है और अपने पूर्व अनुभव के आधार पर भी सोचते हैं कि इच्छाएं इनके द्वारा पूरी हो सकती हैं। खाने पीने की चीज़ों की इनकी इच्छा अधिक होती है। कोई अपने लिए चबूतरा वृक्ष आदि रहने योग्य स्थान चाहते हैं। किन्हीं को दान पुण्य तीर्थ यात्रा देव दर्शन आदि शुभ कार्यों में रुचि होती है। कोई अपनी आज्ञा पालन करा के अपने अहंकार को पूरा करना चाहते हैं। जो भी इनकी इच्छा हो उसे पूर्ण कराने के लिए वे उपद्रव करते रहते हैं। वे जो भी और जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वो संतुष्ट होते हैं। उनके निवास स्थानों को अपवित्र करने वाले, वहाँ विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले अक्सर उनके क्रोध का भाजन होते हैं। मध्यान्ह या मध्य रात्रि के समय उनका क्षोभ बढ़ता है। इस समय वे निकटस्थ जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो करीबी व्यक्ति होते हैं, उन पर वो आक्रमण करते हैं और पिछले जन्म का बदला चुकाने के लिए उत्पात करते हैं। पाँचवा होता अपने प्रियजनों में अतिशय मोह करने वाले मनुष्य। मृत्यु के उपरांत अपनी प्रबल मोह भावना के वशीभूत होकर प्रेत योनि पाते हैं ऐसे लोग और अपने उसी घर के आसपास फिरते रहते हैं। अपने बाल बच्चों को हंसता खेलता देखकर प्रसन्न होते हैं। वृद्धजन अक्सर इस कोटि में आते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, वरन समय समय पर कुटुंबियों को आपत्तियों से सचेत किया करते हैं और विपत्ति निवारण में सहायता दिया करते हैं। इन्हें पितर कहते हैं। जो तरुण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिनकी लालसाएं अत्यंत उग्र एवं स्वार्थपूर्ण होती हैं, वे अपने प्रियजनों को अपने जैसी प्रेत अवस्था में ले जाकर साथ रखने की इच्छा करते हैं और उसी भावना से वे अपने प्रियजनों को मार डालने का भी प्रयोजन करते हैं।
तरुण स्त्रियां जो अपने बाल बच्चों को छोटा केवल अनाश्रित छोड़कर मर जाती हैं वे इस प्रकार के कार्य अधिक करती हैं। अपने बच्चों को अपने साथ रखने की मोहमयी लालसा उन्हें इस प्रकार का कार्य कराती है। छठवां होता तांत्रिक साधनाओं द्वारा छाया पुरुष, भैरवी, भवानी, बैताल, पीर, जिन, पिशाचिनी आदि की सिद्धि की जाती है, उन्हें वश में किया जाता है, उनकी सहायता से अमुक बस्तियां प्राप्त की जाती, अमुक कार्य पूरे किए जाते और अमुक व्यक्तियों को अमुक प्रकार की हानियां पहुंचाई जाती हैं। सेवक की तरह ये उन आत्माओं को उनको बस में कर लेते हैं और ये अपने जो भी इनका जो लोभ होता है किसी व्यक्ति को परेशान करना, किसी व्यक्ति से बदला लेना, इस प्रकार का कार्य ये उन लोगों से कराते हैं। सातवां होता है जीवन मुक्त आत्माएँ मनुष्यों को सदा शुभ मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, शुभ कर्म करने वालों पर प्रसन्न रहती हैं, अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण लोगों को उन्नति के कार्यों में सहायता दिया करती हैं। इनके द्वारा जन समाज का हित ही होता है, अनहित नहीं होता। तो मित्रों, आज हमने आपको सात प्रकार की आत्माएं बताई, सात प्रकार के भूत किस प्रकार के होते हैं। अब इनसे हम आपको बचने का एक उपाय बताएंगे कि आप इन प्रकार से आप कैसे बचा जा सकते हैं। जिन घरों में इस प्रकार की गड़बड़ी दिखाई पड़ती है उन्हें कई बार अच्छी तरह से चना, गोबर, फिनाइल आदि से अपने घर को साफ करना चाहिए। नीम की पत्तियों में को जलाकर बाहर से दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि पत्तियों का धुआं घर में भर जाए। इसके अतिरिक्त हवन, यज्ञ आदि का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जागरण, धार्मिक गीत, वाद्य यंत्र, संगीत, शंख ध्वनि इस प्रकार के अणुमूर्तियों को हटाने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में जो भी भूत प्रेत हैं वो दूर हो जाते हैं। और जिन्हें ऐसा विश्वास हो गया है कि मुझे किसी बलवान भूत ने पकड़ रखा है और अब मुझ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे निर्बल स्वभाव वाले व्यक्तियों के सामने कुछ ऐसा आडंबर हमें रचना चाहिए जिससे प्रभावित होकर वे यह विश्वास कर लें कि हमारे ऊपर जो भूत था वह संतुष्ट कर दिया गया या मार भगाया गया है। कांटे से कांटा निकालने का या विष से विष मारने की नीति यहाँ पर करना पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि ओझा लोग आते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसके अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है, तो वो इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा करते हैं और उस व्यक्ति को वो विश्वास दिला देते हैं कि आपके अंदर का भूत हमने भगा दिया है, तो फिर वह ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार के हमने आपको दो छोटे छोटे उपाय बताए, इन्हें यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनमें सफलता मिलेगी। तो आशा है मित्रों, भूतों से, भूत प्रेतों से संबंधित हमने आपको यह जो जानकारी दी ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि आपको अच्छी लगी है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि माँ गायत्री की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। यही माँ गायत्री से सदैव हम प्रार्थना करते हैं, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।